तो कई बार दोस्तों आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जैसे कि तुम कहाँ कुछ करती हो, या फिर तुम कहाँ कुछ कहते हो, या फिर तुम कहाँ कुछ देखते हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। और दोस्तों आप वीडियो देखते हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि कुल 25% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और बाकी के लोग सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें आपको यूज़ करना है सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको यूज़ करना है हार्डली का, और उसके बाद आपकी जो वर्ब है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको लिख देनी है, और सबसे लास्ट में आपको लिख देना है एनीथिंग। तो इस तरह से आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। वैसे यहाँ पर जो मैंने हार्डली को यूज किया है, हार्डली का मतलब होता है शायद ही, कभी कभार, या फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। तो इस तरह के आप जो सेंस है वो हार्डली के द्वारा निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने हार्डली का यूज दूसरे सेंस में किया है। तो चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, जैसे कि तुम कहाँ कुछ करते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू हार्डली डू एनीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम कहाँ कुछ कहते हो, यू हार्डली से एनीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम कहाँ कुछ देखते हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू हार्डली वॉच एनीथिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेज को आप इस स्ट्रक्चर के द्वारा ट्रांसलेट करेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, तुम कहाँ कुछ बोलते हो, तो इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा।